हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार मेरा एक दोस्त अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ है दुबई में और वो कह रहा था यार मुझे इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी वगैरह का सीन बताओ। तो मैंने कहा आओ तो मैं लेके चलता हूँ, गाड़ियाँ दिखाता हूँ कौन कौन सी कार्स हैं और कितने कितने मिल रही हैं। खैर फिलहाल मैं खड़ा हूँ मस्टैंग का शोरूम में। यहाँ पर सारी मस्टैंग है, बेसिकली स्पोर्ट्स कार हैं, सारी मस्टैंग है वहाँ पर, सारी डोज, चार्जर, चैलेंजर। तो सारी कार्स मैं आपको दिखाता हूँ और कौन सी गाड़ी कितने की मिल रही है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। खैर यहाँ पर यार हर मॉडल की, हर कलर की गाड़ी हैं और ये बेसिकली अमेरिकन इंपोर्टेड कार्स हैं जो यहाँ पर खड़ी हैं। ऊपर लिखा भी हुआ है कौन सी अमेरिकन है। GCC वाली जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, अमेरिकन थोड़ी सी मतलब कंपेरेटिवली थोड़ी सी चीप पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं, 2020 का मॉडल है, ठीक है, 87,000 दिरहम इसकी कैश पे, ठीक है। और उसके बाद ये मिलती है हमें मंथली पे 1370 दिरहम, बेसिकली 20% इसकी हम डाउन पेमेंट देंगे तो हमें इस प्राइस टैग में मिल जाएगी गाड़ी, ठीक है। और जो सैलरी है आपकी मेरे ख्याल से मिनिमम 3,000 to 5,000 होनी चाहिए तब जाके आपको ये गाड़ियाँ इंस्टॉलमेंट पे बैंक देगी। ये एक ऑरेंज मस्टैंग खड़ी है जो कि बहुत मज़े की है। बेसिकली मुझे ऑरेंज, येलो, रेड ये कलर इन स्पोर्ट्स कार वगैरह पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जिस तरह ये भी रेड कलर की खड़ी है, ये भी अच्छी लग रही है। जो ऐसे ब्लैक और वाइट वाले कलर्स हैं वो मुझे इतना मज़ा नहीं देते इन कार्स पे। तो खैर इसकी देख लेते हैं कि क्या प्राइस चल रही है, आपको इंस्टॉलमेंट पे अगर लेनी है तो कितने की मिल जाएगी। बेसिकली ये नेट कैश पे और इंस्टॉलमेंट पे दोनों पे अवेलेबल होती है अगर आपने लेनी है। इसके बेसिकली नहीं लिखा हुआ लेकिन अभी मोर लेस सेम होगी। जिस तरह ये है इसकी देख लेते हैं, इनके ऊपर यूजली उन्होंने किट्स वगैरह लगाई होती हैं। तो ये 2020 का मॉडल है, 1,43,000 दिरहम की, ठीक है, और 2,250 इसकी स्टार्टिंग बिड है। यानी कि ये है 2022 का मॉडल, यानी कि फुल लेटेस्ट गाड़ी है। 23 चल रहा था, 2020 का मॉडल आ गया तो उसके साथ ही ब्लू है। खैर ये पूरी लाइनअप है मस्टैंग की, आप लोगों को आइडिया होगा। थोड़ी सी कोई सस्ती वाली भी देख लेते हैं, यानी कि 2020 से थोड़ी सी नीचे की गाड़ी भी देख लेते हैं। जैसा ये भी 2020 का मॉडल है, 80,000 चली हुई है, 1,260 दिरहम पर मंथ आप लोगों ने पे करना है पर मंथ। तो अगर आप लोग ये गाड़ियाँ रेंट पे लेते हो ना तब भी आपको ये मिनिमम 15,000 दिरहम महीने पे ये गाड़ी मिलती है। अगर मंथ के लिए लेनी है तो आपको मंथली ये मिली 1,200 पर ही है, यानी कि 2 दिन का रेंट इसका तकरीबन इतना होता है। तो उस पर ये गाड़ी आपको अपनी मिल सकती है, अगर आपने लेनी है तो ले सकते हो, काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। खैर इसको हम कम्प्लीट चेक कर लेते हैं दूसरी गाड़ियाँ भी। बेसिकली आपको मैं ओवरव्यू दे दूँ इस शोरूम का कि देखो कितनी मस्टैंग खड़ी हुई है, आपको कोई ना कोई तो इसमें से पसंद आ ही जाएगी। इस पे देखो शेल्बी की किट लगी हुई है, बेसिकली ये शेल्बी नहीं है, किट लगी हुई है। ये भी V4 है, ये भी जो है 2020 का मॉडल है। ज़्यादातर यहाँ पर 2020 के मॉडल खड़े हुए हैं। नीचे का कोई मॉडल देखते हैं, उसकी प्राइस देखते हैं। ये देखो ये मुझे नीचे का मॉडल है मिला, 19 का मॉडल है, ये 74,000 दिरहम और इसकी मंथली जो है 1,170 दिरहम इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो ये सीन है भाई, मैरून कलर भी अच्छा लग रहा है यार। ये साथ में वाइट खड़ी हुई है तो देख लेते हैं भाई वाइट जो है इसका क्या सीन है, वाइट कितने में है। ये भी 2020 का मॉडल है, 82,000 दिरहम की है। ओके, ज़्यादातर जो है ये मॉडल्स 2020 के खड़े हैं। 2016 का मॉडल, ये देखो ये थोड़ी सस्ती गाड़ी मिली है मुझे यहाँ पर, ठीक है। ये है 62,000 दिरहम की, 11,080 मंथली पे, 20% डाउन पेमेंट के साथ है। अगर 20% डाउन पेमेंट नहीं करें तो ऑलमोस्ट 300 to 400 दिरहम ऐड कर लो मंथली और 0% डाउन पेमेंट पे भी आपको गाड़ी मिल जाती है। खैर उसके अलावा ये गाड़ियाँ अगर आप लोग खुद लेते हो ना, ऑक्शन से उठाते हो क्रैश गाड़ियाँ, देखो ये सबसे पहले अमेरिका से परचेज की जाती हैं, अमेरिका से डायरेक्ट लोगे तो सस्ती पड़ेगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे ऑक्शन से उठा लो जो कि क्रैश होती हैं, अगर वहाँ से लेके खुद बनाते हो तो उससे ज़्यादा चीप पड़ेगी। और जो यहाँ पे है फिर इन सब ऑप्शन में सबसे ज़्यादा महंगी फिर यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि इनका शोरूम्स है, शोरूम के रेंट होते हैं, फिर ये गाड़ियाँ बनवाते हैं, खड़ी करते हैं, सैलरीज वगैरह देनी होती है, उन्होंने सारा कुछ करना होता है। तो ये चीज़ें फिर जो है अच्छा, इसके अलावा भी शोरूम के अलावा भी आप लोगों को पर्सनल किसी से गाड़ी लेनी है ना तब भी ये गाड़ियाँ इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक दोस्त है, आप उसके नाम पर गाड़ी लो, इजारी बनवाओ, यानी कि नेट कैश पर ले लो, उसके बाद बैंक इंस्टॉलमेंट पर ले लो, बैंक उसको कैश पे कर देगी और आपकी सारी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। खैर अभी चलते हैं मस्टैंग से निकल के दूसरी डोज वगैरह दिखाता हूँ आपको उनकी क्या मार्केट है। ये है जी मेरा दोस्त जिसने लेनी थी गाड़ी, तो ये कह रहा था कि मुझे दिखाओ, कुछ समझ आई अच्छा इसको पसंद से डोज थी लेकिन ये कह रहे हैं मस्टैंग का इंटीरियर। मैंने उसको पहले बताया भाई डोज ज़्यादा मज़े का, मस्टैंग का इंटीरियर वगैरह ज़्यादा मज़े का, साफ वाला ला ब्रो। हाँ तो यार ये बड़ी मज़े की गाड़ी है, मुझे स्पोर्ट्स कार बहुत है, कंफर्टेबल भी है क्योंकि स्पोर्ट्स गाड़ियाँ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हैं, लेकिन उनमें से कंपैरेटिवली मस्टैंग काफ़ी एक अच्छी गाड़ी है। इसमें V6, V4, V8 सारी आती हैं, ठीक है। उसके बाद रोल्स रॉयस भी खड़ी हुई है यहाँ पे, रोल्स रॉयस भी किसी ने लेनी हो इंस्टॉलमेंट पे भी मिल सकती है, लेकिन इसके ऊपर अभी पेपर नहीं लगा हुआ। मैं अभी देख के गया था यहाँ पे कि कितने की मिल रही है कितने की नहीं, इस पर ये पेपर नहीं लगा हुआ, लगा तो मैं आप लोगों को दिखाता ये भी। खैर काफ़ी मज़े की गाड़ी है यार, रोल्स रॉयस का अपना ही लेवल है। खैर ये आगे डॉज चार्जर की लाइनअप, फिर उसके बाद डॉज चैलेंजर भी खड़ी हुई है। खैर डॉज चार्जर जो है ये 2019 मॉडल है,
बेसिकली ये है कि एक स्पोर्ट्स भी और ये फैमिली कार भी हो सकती है। ये है V8, ठीक है, 1260 दिरहम पर मंथ पे आपको मिल सकती है, और इसकी प्राइस जो है जेन्युइन 80,000 दिरहम्स है। ये चली हुई है, माइलेज में चली हुई है, अच्छा किलोमीटर है, ये किलोमीटर चली हुई है, किलोमीटर और माइल्स, अमेरिकन बेसिकली माइल्स में चली होते हैं। तो खैर ये पूरे ऑप्शन हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। ये जो है 2019 मॉडल है और इसकी प्राइस जो है 62,000 दिरहम, ये सर 980 दिरहम पर मंथ पे, यार काफ़ी ज़बरदस्त है यार, 980 दिरहम पर मंथ है। और क्या चाहिए कसम से, हाँ V6 है, फ्यूल V8 से काफ़ी कम पिएगी, और ये भी एक V6 खड़ी हुई है साथ में। ये भी देख लेते हैं, इंटीरियर भी आप लोगों का इसका मैं चेक करवाया, तो यार काफ़ी ज़बरदस्त है। 78,000 दिरहम 2020 का मॉडल, ये है 1230 दिरहम पर मंथ पे। उसके बाद ये एक येलो कलर की खड़ी हुई है, यार ये कलर्स मुझे आई डोंट नो वाइन गार्डनिंग इस टाइप के पसंद आते हैं। 65,000 दिरहम 2017 का मॉडल है, ठीक है, और V8 है ये भी, और 1240, चलिए ये V8 है, V8 ज़बरदस्त है। अच्छा मैं बताऊँ, स्पोर्ट्स गाड़ियों में जो है ना कलर वाइट रेड येलो इस टाइप के ही अच्छे लगते हैं, वाइट भी चल जाता है, उसको मॉडिफिकेशन हो जाती है। ये है कुछ इसका इंटीरियर, इंटीरियर इज ऑल्सो नॉट बैड, काफ़ी मज़े का इंटीरियर है भाई इसका, प्लस इंटीरियर की सीट्स भी इन्होंने येलो वगैरह की हुई हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो खैर 20% डाउन पेमेंट के साथ आप लोग ये वाली गाड़ी लेनी है। अच्छा ये चैलेंजर है, ये चैलेंजर है, ये भी स्पोर्ट्स कार में आती है, लेकिन ये भी 2-डोर है, और लेकिन 4 सीट्स, 4 बंदे बैठ सकते हैं इसमें भी और उसमें मस्टैंग में भी। V6 83,000 दिरहम 2021 मॉडल, 1310 दिरहम पर मंथ, पर मंथ के हिसाब से यार ये गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती मिलती हैं। ये वाइट खड़ी हुई है 78,000 की पर मंथ, 1240 दिरहम इसकी इंस्टॉलमेंट है, इस गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट है वो 1130 दिरहम पर मंथ है, ठीक है। तो ये देख रहे पूरी लाइनअप, पूरी इसी चीज़ की लाइनअप है। खैर अभी ना बाकी चलते हैं, पूरी मार्केट घूमते हैं, बाहर से आपको मैं ओवरव्यू दिखा दूँगा और मार्केट में कौन कौन सी गाड़ियाँ, और बेसिकली सारी गाड़ियाँ ही इंस्टॉलमेंट पर आपको मिल सकती हैं, कोई भी ऐसी गाड़ियाँ जो इंस्टॉलमेंट पर ना मिले। और शारजा की ये मार्केट जो है ना, इसमें ये ज़्यादातर नॉर्मल गाड़ियाँ मिल जाती हैं, दुबई में ज़्यादातर सुपरकार्स टाइप ज़्यादा मिलती हैं, हाँ स्पोर्ट्स भी मिलती हैं दुबई में, नॉर्मल सिविक टोयोटा इस टाइप की गाड़ियाँ वहाँ नहीं मिलती, यहीं मिलती हैं सिर्फ। सब ये एक है 56,000 दिरहम की 2018 मॉडल V6 880 दिरहम पर मंथ, काफ़ी ज़बरदस्त है ब्रो, 880 दिरहम पर मंथ के हिसाब से देखे जाए तो मैं कहता हूँ गाड़ी लश वश है। हाँ वैसे अगर लेनी हो कैश पर तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा मार्केट से लेने के लिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपने वैसे लेनी है तो बाहर से देखो, किसी थर्ड पर्सन से देख लो, हाँ उनसे भी इंस्टॉलमेंट पर मिल जाती है, लेकिन क्रैश की अगर आपको कैश है आपके पास तो खुद एक्सीडेंट वाली गाड़ी उठाओ, उठा के बनवाओ, बना के अपने यूज़ में रखो, वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है मेरी साइड से। ये देखो भाई, ये मार्केट में सामने मर्सिडीज़, ये डोज चार्जर पर खड़ी है, सिविक खड़ी है, तो इस तरह ये पूरी लाइनअप है। मार्केट जो है ना दोनों साइडों में हर टाइप की गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और देखते हैं, ये देखो ये रेंज रोवर खड़ी हुई है यहाँ पे। प्राइस आप लोगों को थोड़ी सी खुद करनी पड़ेगी, निगोशिएशन भी करनी पड़ती है, हो जाती है, हैं जिद कर रहा। चलो डील बन जाएगी, वो बन जाएगी, कलर भी वाइट है जो मैंने लेना, बाहर से ये गाड़ी मैं अगर बताऊँ ना, अगर इंस्टॉल, अच्छा बाहर से इसका एक और तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे नाम पे लेके तुम इंस्टॉलमेंट पे करा सकते हो, कोई मसला नहीं है, बैंक मुझे पैसे पूरे के पूरे दे देगी और आप जो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ले लो। साहब लाला तो यही है, तो वही तो कह रहा हूँ, सोसाइटी की बात लीगली तौर पर ये बैंक करती है, मुझे पता है। चले काम कर अब। अच्छा भाई लोग यहाँ पे देखो, ये कैमरो वगैरह भी खड़ी हुई है, और अच्छा मैं सॉफ्ट टॉप नहीं पसंद गाड़ी बिल्कुल ही, आप लोगों को पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितनी गंदी लग रही है सॉफ्ट टॉप। ये हार्ड टॉप वाली खड़ी हुई है, कन्वर्टेबल नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल है, और बाकी यहाँ पे मस्टैंग वगैरह ये वो क्लीन हो रही हैं गाड़ियाँ, सारी क्लीन वगैरह कर रहे हैं, तो यार मस्टैंग अपने लेवल है वैसे। और ये अच्छा ये जिस साइड में मैं हूँ यहाँ पे ज़्यादा स्पोर्ट्स कार ही हैं, यही वाले शोर में स्पोर्ट्स कार के, नॉर्मल गाड़ियाँ लेनी हो तो ये देखो ये नॉर्मल कार्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं। ये सुजुकी की बाइक खड़ी हुई है, ठीक है, GSX, और इसकी जो प्राइस है वो है ये देखो 9,000 दिरहम्स में 2022 मॉडल सुजुकी GSX मिल रही है। तो यहाँ पे इस तरह बाइक्स वगैरह भी मिल जाती हैं इस मार्केट से, बाइक शाइक सब सीन ऑन है। ये देखो ये भी खड़ी हुई है बाइक से यहाँ पे सारी,